उत्तराखंड सरकार राज्य में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बृहद स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी लोगों को इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज इस योजना के तहत किया गया है। इसमें करीब 2400 करोड़ रुपए इन लोगों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अब विभाग कोशिश कर रही है कि अभियान के तहत इस वर्ष 10 लाख नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आयुष्मान योजना सबके लिए, और अभी तक हमारे प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक भी हो चुका है, और इस योजना में लगभग 2400 करोड़ रुपये से ज़्यादा अभी तक खर्च हो चुके हैं। अभी हमने जिन जिन जिलों की प्रगति कम थी आयुष्मान कार्ड की, जो 70% से कम थी, वहाँ 7 अधिकारियों को जो है भेजा है, और वो सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करेंगे। और हमें चाहते हैं कि इस साल हमारी जो टारगेट है कि हम 10 लाख नए कार्ड बनाएं, तो हम इस पे लगे हैं ताकि गरीब लोगों का इलाज जो है निःशुल्क हो सके, अच्छा इलाज हो सके। और टारगेट ये हमारा कि मार्च तक हम 10 लाख नए कार्ड बनाने के